फरीदाबाद के सेक्टर 16 स्थित मोरिंगो QRG हॉस्पिटल में सीवर टैंक की सफाई करते समय 4 सफाई कर्मचारियों की दम घुटने से दर्दनाक मौत का मामला सामने आया है। इस घटना के बाद सफाई कर्मचारियों के सुपरवाइजर और मृतक के भाई ने अस्पताल पर जबरन टैंक की सफाई करवाने का गंभीर आरोप लगाया। उनका कहना है कि कर्मचारियों का काम टैंक की सफाई करने का नहीं था, लेकिन जबरन उनसे टैंक की सफाई करवाई गई, जबकि अस्पताल में कोई सुरक्षा उपकरण नहीं थे, जिसके चलते टैंक के अंदर उतरे 4 सफाई कर्मचारियों की दम घुटने से दर्दनाक मौत हो गई। उन्होंने कहा कि अस्पताल के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और मृतकों को न्याय मिले व परिवारों को मुआवजा मिले। फरीदाबाद से राजेंद्र दैया की रिपोर्ट। एक का नाम रवि है, दो के नाम रवि है, एक का नाम रोहित है। एक रवि और रोहित दोनों भाई हैं सगे, एक रवि अलग से है। घटना का तो सर हमें कुछ पता ही नहीं, जो हमारा काम नहीं है वो हमारे से काम करवाया गया है, जो हमारा काम था वो हमसे काम नहीं करवाया गया। वैसे 3 लड़के जाते साइड पर, आज उन्होंने 4 लड़कों की बोली तो कोई नहीं, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा काम करवाना होगा। हॉस्पिटल वालों ने, साहिब नाम है, QRG हॉस्पिटल फरीदाबाद सेक्टर 16। बस कुछ नहीं बोला काम के बारे में, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, बस उन्होंने ये बोला कि 4 लड़के भेज दो। आप कह रहे हो तो काम नहीं है आपका, कौन सा काम आप करते हैं? हम सीवर क्लीन का काम करते हैं, सीवर मैनहोल क्लीन का करते हैं, पर हम टैंक सफाई का काम नहीं करते। तो यहाँ टैंक सफाई करवाया है इन्होंने। आपको कब पता चला है? हमने दोपहर में पता चला है। तो पुलिस ने आपसे कोई संपर्क किया है? अभी कुछ भी संपर्क नहीं किया पुलिस से। क्या चाहते हैं सर? हमें इंसाफ मिले, और क्या चाहिए हमें? जिसका जाना था उसका तो चला गया, वो तो कुछ दे नहीं सकते। ये QRG हॉस्पिटल में 4 लड़के आए थे, 2 रवि और विशाल और रोहित, जो अपना संतुष्टि एलाइट सर्विस है दिल्ली में, ये QRG वाले उसको हायर किया हुआ है। यहाँ की तरफ से 4 लड़के सेफ्टी टैंक को साफ करने के लिए आए थे, जैसे वो उसके अंदर गए तो उस टाइम उनकी डेथ हो गई। देखिए अभी तक यही बात सामने आई, लोग मदनगिरी के पास के रहने वाले हैं और प्रॉपर इक्विपमेंट वगैरह इनके पास फिलहाल नहीं थे, जैसे गैस वगैरह के कारण से ये इनकी डेथ हुई। अभी इनके वारिसन को हमने बुलाया, इतला दी है, वो जैसे आएंगे उनके बयान पर हम नियम अनुसार कार्रवाई करेंगे। देखिए वो तो लापरवाही तो कहीं ना कहीं इसी पॉइंट पे रही है, लेकिन वो जांच के मुताबिक ही पता चलेगा किस किस पॉइंट किसकी लापरवाही। अभी हम उसके वारिसन की इंतजार कर रहे हैं, जैसे ही वो आएंगे उसके मुताबिक इनके बयान दर्ज करके उनकी पोस्टमार्टम करवा देंगे और नियम अनुसार इसमें हम कार्रवाई कर रहे हैं।